हेलो फ्रेंड्स, योगा विद रानी चैनल पे आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बेली फैट कम करने का कुछ एक्सरसाइज करेंगे। बेली फैट कम करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, कुछ खड़े खड़े होती है, कुछ बैठ के होती है और कुछ लेट के भी होती है। तो आज की वीडियो में आज के पार्ट में हम लेट के एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए तुरंत हम वीडियो की ओर चलते हैं और शुरुआत करते हैं। लेट के एक्सरसाइज करेंगे। आप अपने बेड पे बैठे हो, घर में रिलैक्स कर रहे हो, तो भी आप अपना एक्सरसाइज करोगे। तो स्टार्टिंग में फ्रेंड्स, अपने बॉडी को पूरा एकदम रिलैक्स करना है। जो भी आप एक्सरसाइज करोगे उसका प्रेशर आपके बेली पे आना बहुत जरूरी है। आप फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, हम दोनों हाथों को लॉक करके अपने गर्दन के पीछे लेंगे और अपना सर को हल्का सा उठाएंगे, जो अपने चेस्ट तक और अपना चिन है उसके थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे। लेकिन इसमें खास बात यह है दोस्तों कि अपना ब्रीथ इन और जो ब्रीथ आउट है इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। जब हम गर्दन उठाएंगे तब अपने मुंह से सांस छोड़नी है और जब हमारी गर्दन नीचे जाएंगे तो बस नाक से ब्रीथ लेना है। और जब ये होता है ना तो अपने स्पाइनल पे और अपने गर्दन पे आपको दर्द नहीं होगा, आराम से करना है। और अपने ये दोनों हाथों का सपोर्ट अपने गर्दन पे इसीलिए देना है ताकि आपके मसल पीछे वाले जो मसल्स है उस पर आपको तकलीफ नहीं होगा, जो आपका स्पाइनल है उस पर प्रेशर नहीं होगा। तो कोई भी एक्सरसाइज करते समय थोड़ा सा आराम से, क्योंकि जब आप ब्रीथ इन करते हो और ब्रीथ आउट करते हो वो भी एक तरीका होता है। अगर आप जिस टाइम ब्रीथ इन करना है उस टाइम ब्रीथ आउट करोगे और जब जिस टाइम ब्रीथ आउट है उस इन करोगे तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो फास्ट चलने लगेगा, तो आपको दिक्कत होगी, पसीना ज्यादा आएगा। तो आप जब गर्दन को उठाओगे तो मुंह से सांस छोड़नी है और जब नीचे जाओगे तो आप नाक से सांस लेनी है। आप ध्यान से देखना मैं कैसे एक्सरसाइज कर रही हूं। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम, दोनों पैरों को ऊपर लेना है और अपने दोनों हाथों से अपने बैक को सपोर्ट देना है। पैर ऊपर लेने हैं अपने और अपने दोनों हाथों को अपने कमर के नीचे देना है ताकि आपके कमर को सपोर्ट रहेगा हाथों का। और अब आगे पीछे करना है, बस ऑपोजिट ऑपोजिट, और ज्यादा स्पीड में बिल्कुल मत करना, आराम से करते रहना। इसको आप कम से कम 20 टाइम जरूर करना है और दोनों हाथ अपने कमर के नीचे जरूर देना है ताकि आपके कमर को इसका सपोर्ट रहेगा। रिलैक्स। अब थर्ड वाला एक्सरसाइज हम करेंगे। अपने दोनों पैरों को अपने पास लेना है, कमर के पास लेना है और फीट को टच करना है। कमर के साथ, कमर से नीचे का पोज वो ज्यादा हिलेगा नहीं, बस ऊपर का ही पोज हिलेगा। अगर आपका स्टार्टिंग में नहीं हो रहा है तो आपने पैर और ज्यादा पास लाना है और फिर करना है, लेकिन धीरे 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 इसका जो गैप है वो बढ़ाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा अपना लेफ्ट वाला लेग और राइट वाला एल्बो, नी, दो लेफ्ट वाला नी और राइट वाला एल्बो दोनों टच करने हैं। आप इस चीज को थोड़ा, अगर आपको आदत होगी तो इसको थोड़ा स्पीड में भी कर सकते हो।
लेकिन आप जब अगर शुरुआत कर रहे हो तो आराम से करना, लेकिन करना जरूर, आपका बेली का फैट डेफिनेटली कम होगा। रिलैक्स, बॉडी को जितना ऊपर उठा पाओगे उतना पूरा बॉडी उठाना है आपको, जितना आपके में स्टैमिना होगा उतना करना है। और आप एक्सरसाइज जब करोगे तो आपके बेली पे बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। रिलैक्स। नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज होगा, वैसे ही करना है, बस अपने बॉडी को जितना स्ट्रेच कर पाओगे उतना करना है। रिलैक्स। नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज होगा, दोनों पैरों को साथ में लेना है और जैसे हम साइकिल चलाते हैं उसी टाइप पे अपना सर्कल करना है। सर्कल में करते रहना है। रिलैक्स। देखा फ्रेंड, बहुत इजी है। आप जितना भी अपने आप बेली फैट पे जितना भी प्रेशर दे पाओगे शुरुआत में, उतना प्रेशर जरूर देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, उससे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है।